हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम लोग जेएससी का ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो फिलहाल हम लोग बना चुके हैं बहुत सारे वीडियो जेएससी के टॉपिक के ऊपर। जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होने वाला है, इसके ऊपर हम लोग ने दो सेट बना लिया है। पहले जो हम लोग सेट देखे थे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर देखे थे, जिसमें से पार्ट वन में था हम लोगों का वर्ड, फिर एक्सेल था, फिर पावर पॉइंट था, उसके बाद लास्ट में पार्ट फोर में जो दिया गया था बनाए थे। इसमें हम लोग देखे थे कि तीनों को, जो पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड को पार्ट फोर में यानी कि ईमेल में किस तरह से अटैच करके भेजने के ऊपर देखे थे। उसके बाद सेकंड हम लोग जो टॉपिक लेकर जो वीडियो बनाए थे, इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक बनाए थे कि पहला जो था वो वीडियो था हम लोग का सैम्पल पेपर का वर्ड, उसके बाद सैम्पल पेपर का जो एक्सेल था, उसके बाद पावर पॉइंट सैम्पल पेपर से ही लेके हम लोग बनाए थे। तो अब हम लोग इस वीडियो में, मैं आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, बस कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग जरूर थोड़ा नोट कर लें और फॉलो जरूर करें, अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो। या मैं तो आप लोगों को अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ, बताऊँगा, लेकिन अच्छी लगी तो जरूर इसको अप्लाई करिएगा दोस्तों। और हम लोग का जो सेट खत्म हो गया सैंपल पेपर, अभी फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो से फिर मैं बनाने की कोशिश करूंगा, बनाऊंगा, जिसे आप लोगों को पसंद आएगी कि दूसरा सैंपल पेपर मैं लेके उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे और देखेंगे, क्योंकि हर एक तरह से हम लोग सेट ले लेके क्लियर कर लेंगे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग पास हो सकते हैं। और ये जो एग्जाम होगी कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ये आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, नोटिफिकेशन में जैसे दिया गया है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, इसमें से मिनिमम आप लोगों को 40 मार्क लगेगी। तो आप लोग अगर पर्सनली मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सपोज किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो चार्जेबल होगा और मैं आप लोगों को उसमें पूरा पूरी लगभग गारंटी दे दूंगा कि आप लोगों को क्वालिफाई किस तरह से करना है, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स कैसे लाना है, पूरा इजी तरह से प्रोसेस मैं बताऊंगा, वो पर्सनली ट्रेनिंग के लिए रहेगा। और जिसमें मैं सिर्फ आप लोगों को इतना हेल्प नहीं कर दे पाऊंगा कि हिंदी टाइपिंग के ऊपर मैं नहीं कर दे पाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम कम है और मैं कोई हिंदी टाइपिंग नहीं सिखाता हूँ। कोचिंग क्लास ऐसा मेरा नहीं है कि मैं हिंदी टाइपिंग आप लोगों को बता दूं ऑनलाइन और आप लोग दो चार दिन में कैच कर लेंगे। जो किसी को भी अगर सपोज नहीं आता है थोड़ा भी हिंदी टाइपिंग, और उसको मैं 5 दिन में हिंदी टाइपिंग सिखा दूं, ये मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हिंदी टाइपिंग आप लोगों को अगर खुद करनी है, और बाकी आप लोगों से जितना हेल्प लेना है ले सकते हैं, और मैं पूरा हेल्प देके आप लोगों को एग्जाम तक क्लियर करा दूंगा। क्लियर कराने के बाद मैं पूरा उसको इतना बता ही दूंगा कि 40% क्वालिफाइंग किस तरह से होना है, वो चीज़ मैं आप लोगों से करा दूंगा। तो ये एक बात थी। और इसी वीडियो में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ईमेल के रिकॉर्डिंग भी। अभी जैसे ईमेल के रिकॉर्डिंग में कुछ आप लोगों को फैक्ट बताऊंगा कि, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो मैं पहले भी कुछ कुछ पॉइंट्स वीडियो में बता चुका हूं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम सेंटर में जैसे इंटर करिएगा, आप लोग देख लीजिएगा अपना सिस्टम में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड होता है, यहाँ पे आप लोगों को अगर पता नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ये फिलहाल मैं इस तरह से जो साइन दिख रहा है, मतलब मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ, किसी भी मोबाइल का वाईफाई से कनेक्ट हूँ। एक एक पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब आप लोग फोकस करना बहुत जरूरी है। हो सकता है जब आप लोगों का क्या इसमें डिसएडवांटेज मिल जाएगा अगर ये सब ध्यान नहीं देंगे तो, वो भी मैं बताऊँगा, और एडवांटेज इसमें क्या मिलेगा वो चीज़ भी मैं बता रहा हूँ। मैं ये नेट कनेक्शन चेक करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर कोई डाटा सब कुछ बना लिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और जब ईमेल करने के टाइम में आप देखेंगे कि आपका नेट ही कनेक्ट नहीं है, तो आप किसको चिल्लाते रहेंगे वहाँ पे? अगर किसी को भी चिल्लाएंगे, बुलाएंगे भी, तो आप लोगों का आने में दो चार मिनट लगेगा, या हो सकता है जो बंदा वहाँ पे आप लोगों का एग्जामिनर रहेगा उसको ये इंटरनेट के बारे में पता ना हो, टेक्निकल बंदा ना हो, तो कैसे करेगा? अपना मर्जी से कर भी नहीं सकते ये सब, तो ये सब फंस जाएगा। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक करिए, जैसे ही सिस्टम में बैठेगा अपना इंटरनेट कनेक्शन पहले चेक करिए, ये इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड है कि नहीं। अगर वाईफाई से कनेक्ट है तो इस तरह से साइन दिखेगा। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ जाता है, जैसे मैं अभी आईफोन से कनेक्टेड हूँ तो आईफोन यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। तो इसी तरह से कुछ वाईफाई से अगर वो कनेक्टेड रहेगा तो वो कनेक्टेड यहाँ पे दिखाएगा। सपोज मैं इसको अभी डिसकनेक्ट कर देता हूँ और डिस्कनेक्ट करके बताता हूँ। देखिए अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट है, देखिए
यहाँ पे अभी दो वाईफाई दिखाई दे रहा है हम लोग के पास, आईफोन का दिखाई दे रहा है और नेटवर्क दे रहा है दिखाई दे रहा है। तो इसमें से अभी खाली सिक्योर दिखा रहा है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये आप लोगों को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। सपोज अगर नहीं रहेगा तो इस तरह से राइट क्लिक करके, इस तरह से राइट यहाँ पे क्लिक करिएगा तो कनेक्ट बोल के दिखाई देगा, तो कनेक्ट कर लीजिएगा उसको। तो ये पहला पॉइंट है, इसमें कनेक्ट रहना चाहिए पहला, तो यहाँ पे देखिए कि है कि नहीं, उसके बाद ये कनेक्ट कर लीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद और अगर सपोज दैट वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे एक छोटा सा पीसी का साइन दिखेगा, इस पीसी का साइन जब दिखेगा तो आप लोगों का वो कनेक्टेड है। लेकिन अगर वो छोटा सा पीसी इस तरह से दिखेगा और इसमें से कुछ क्रॉस चिन्ह वहीं पे दिया हुआ रहेगा या तो फिर कुछ रेड कलर का दिखाई देगा तो वो कनेक्टेड नहीं है, तो आप लोग वो चीज़ चेक कर लीजिएगा। और ज़रूर अपना गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स कुछ भी खोल लीजिए। पहले खोलने के बाद आप लोगों का क्वेश्चन देते देते ही आप लोग अगर इंटरनेट है तो गूगल वगैरह भी सर्च करके देख लीजिए कि इंटरनेट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ये देख लेने के बाद आप लोगों का इंटरनेट का काम हो गया, मतलब आपका इंटरनेट चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन अगर देने में थोड़ा लेट कर रहा है तो आप लोग गूगल क्रोम खोल के ही रखें। उसके बाद आपका जो जीमेल है उसको आप लॉगिन कर लें, इस तरह से जीमेल लिख दीजिए। जीमेल लिख देने के बाद यहाँ पे उसका लिंक आ जाएगा, देखिए ये, इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे तो लॉगिन करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे अपना जो भी मेल आईडी है और पासवर्ड जो है ये पुट करके आप लोग इसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन ये मैं पहले से लॉगिन है इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देखिए लेफ्ट साइड में एक कंपोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करिएगा तो अभी फिलहाल ये देखिए लोडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे एक ओपन होके आ जाएगा बॉक्स जहाँ से मेल करने का है, देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में एक बॉक्स निकाल के आ गया। तो ये निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आप लोगों को अगर पहले से क्वेश्चन पेपर में ही अगर पहले से दे दिया जाए कि ऑफिशियली मेल आईडी क्या है जिसमें भेजना है, वो चीज़ को यहाँ पे टाइप करके रख दिए रहिए, बस इतना कर दीजिए। उसके बाद आप लोग इसको मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज करने के बाद आप लोग अपना काम करिए, जो भी काम मिला हुआ रहेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिसको सबसे इजी लगता है आपको बनाने में क्वेश्चन देख के, उसके आधार से जो सबसे इजी है उसको पहले बना लीजिए। बनाने के बाद उससे और थोड़ा जो आप लोगों को टफ लगेगा उस तरह से आप लोग अपना अरेंज कर लीजिए कि किस चीज़ को। मैं इसीलिए सबसे पहले बता रहा हूँ, सपोज दैट अगर आप लोगों को एक्सेल सबसे इजी लग रहा है तो एक्सेल को पूरा पूरी कंठस्थ अच्छी तरह से कंप्लीट करके डेस्कटॉप में कोई फोल्डर बना के यहाँ पे रख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जेएसएससी पर यहाँ इसी तरह से कोई फोल्डर बना के इसके अंदर में रख दीजिए। इससे आप लोगों का क्या लाभ मिलेगा, एडवांटेज क्या रहेगा कि आप लोगों का सपोज दैट अगर पावर पॉइंट हो या तो फिर एक्सेल तो हम लोग बना ही लिए हैं, आप लोगों को पूरा पता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों को पावर पॉइंट और वर्ड ठीक से नहीं आया या टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, तो आप लोगों का अगर एक्सेल सही रहेगा, पूरा एक्सेल सही रहेगा, मतलब 25 मार्क। ईमेल अगर आप कर रहे हैं, ईमेल में तो किसी का गलती होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जो मैंने बताया स्टेप फॉलो करिए, उसके बाद ईमेल अपना करेंगे तो उसका 25 मार्क, मतलब एक्सेल में 25 और आपका ये ईमेल में 25, 50 नंबर आपका आ गया, मतलब आपका कंप्लीट हो गया क्वालिफाइंग। एक्स्ट्रा आपका जो मार्क आएगा वो वर्ड से और पावर पॉइंट से। एक तो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप लोगों को एक्सेल अच्छी तरह आता है तो, अगर सपोज आपका पावर पॉइंट अच्छा आ रहा है, क्वेश्चन देख के पता चल ही जाएगा कौन ईजी है कौन क्या है, पावर पॉइंट हो या तो फिर एक्सेल हो या तो फिर आपका वर्ड हो, तो जो आपको ईजी लग रहा है उसको सबसे पहले बना लीजिए, उसके बाद रखिए, उसके बाद फिर दूसरा वाला देखिए। तो इस तरह से आप लोग करिए जिससे आप लोगों को क्वालिफाइंग करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग ये करने के बाद आप लोगों का जो भी अपना वर्ड बनाए, एक्सेल बनाए, पावर पॉइंट बनाए, बनाने के बाद जितना कम से कम 6-7 मिनट पहले आप अपना इसको ओपन कर लीजिए गूगल क्रोम को, जो आप लोगों का इस तरह से इंटरफेस पहले से ओपन रहना चाहिए जो मैंने बताया से। इस तरह से अगर ओपन नहीं है तो उससे पहले आपको, जैसे मैंने 6-7 मिनट टाइम बता रहा है, तो 6-7 मिनट टाइम से पहले आपको गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है सपोज दैट यहाँ पे आप लोग अगर गूगल टाइप करिएगा और उसी टाइम लास्ट के टाइम में हर एक कैंडिडेट अगर इंटरनेट यूज करेगा तो आप लोगों का सिस्टम बहुत स्लो चलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को पहले
ही ये सब खोल के रखे रहना पड़ेगा इसको। उसके बाद अपना जो भी अटैचमेंट करना है यहाँ से अटैच कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों का ब्राउज आ जाए, ब्राउजिंग आ जाएगा। उसके बाद आपका डेस्कटॉप में रखे हुए हैं जेएसएससी के अंदर रखे हैं जो भी फाइल, ये सबको यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल को दबाइएगा। कंट्रोल दबाने के बाद पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, इस तरह से तीन गो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ओपन कर दीजिएगा, वो लोड हो जाएगा, यहाँ पे लोड हो जाएगा। लोड हो जाने के बाद देखिए अभी लोड हो रहा है फिलहाल, ये तीनों अभी लोड हो रहा है। लोड हो जाने के बाद आप लोगों का यहाँ पे सेंड का बटन दिख रहा है, इस सेंड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मेल आईडी रहेगा, उसके बाद यहाँ पे जेएसएससी सब्जेक्ट वगैरह जो भी वो लोग बोलेगा दे दीजिएगा, नहीं तो अपने तरफ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जेएसएससी लिख दीजिएगा, पंचायत सचिव ऐसे लिख के आप लोग इसको भेज दीजिएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा जो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप भेज दिए जिसे मैंने आप लोगों को बताया, ये आप सक्सेसफुली भेज दिए, जिसमें से सपोज ये पहला वाला जो दिया गया है ये एक्सेल का है, और एक्सेल को आप कहीं भी कुछ भी गलत नहीं किए हैं, मतलब आपका 50 मार्क आ गया और आप क्वालिफाई हो गए। इसमें से सपोज आपका इसमें दिया गया है कि 25 मार्क, ये 25 मार्क, इसमें अगर 20-20 भी आता है तो आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो सबसे ईजी लगेगा आपको वो चीज़ पहले बनाएं, और पूरा 100% एक होने से सही बनाइए, जिससे आप लोगों का पूरा चांस हो जाता है क्वालिफाई करने के लिए। तो आज मैं फिलहाल इसी के बारे में थोड़ा बहुत हिंट्स आप लोगों को दे रहा था कि ईजी तरीके से कैसे आप लोग ईमेल कर सकते हैं अपना जितने भी तीनों जो फाइल्स बनाए रहेंगे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इस चीज़ को इसके बारे में बताया। और एक्स्ट्रा और थोड़ी आप लोगों को जो नॉलेज मैंने बताया कि किस तरह से किसको सबसे पहले करना चाहिए और क्या क्या आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ मैंने छूट गया है, ये चीज़ भी अपना जान लें कि जैसे आप इंटरनेट चेक किए, सबसे पहले आके इंटरनेट चेक करने के बाद अपना एक नोटपैड भी निकाल लें, नोटपैड निकाल लीजिए या तो फिर वर्ड निकाल लीजिए। उसके बाद अपना जितना की है ना, ये की सब बेटर होगा कि, चलिए इसको बंद कर देते हैं, बेटर होगा कि वर्ड को ही निकालें, वर्ड को ही निकाल लें। वर्ड को निकालेंगे और वर्ड निकालने के बाद सारे की को दबा के देखिए कि लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बटन काम नहीं करता हो जिससे आप लोगों को टाइपिंग करने में दिक्कत हो, ये सब ट्राई करिए। करने के बाद फिर इंटर करके नीचे थोड़ा आ जाइए, ये तो मैंने इंग्लिश में था, कृति देव को भी सेलेक्ट करिए, कृति देव को भी एक बार सेलेक्ट करिए। और ये सब आप लोगों को करना कब है, जब आप लोगों को सिस्टम में बैठ जाइएगा, बैठने के बाद जैसे क्वेश्चन मिलेगा उससे पहले ही अगर टाइम मिल जाए तो ये सब जरूर ट्राई करिए। ये सब कृति देव भी सेलेक्ट करके अपना सब कुछ एक बार ट्राई करके देख लीजिए कहीं उसके बाद। और ये तो देखिएगा ही देखिएगा, फिर सर्च जब करिएगा यहाँ पे वर्ड, तो ये भी देखना जरूरी है कहीं ऐसा तो ना हो कि आपका सिस्टम में एमएक्स ऑफिस है ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि नहीं रहेगा, एग्जाम इसी का हो रहा है तो हर एक सिस्टम में होगा, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। सपोज अगर आपका नहीं भी नहीं रहेगा तो आप क्या करिएगा, लड़ जाइएगा जेएसएससी से, कुछ कर पाइएगा, ये सब नहीं हो सकता है, वो लोग गवर्नमेंट का एग्जाम है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा सिस्टम पे, कहीं पे कुछ कमी तो नहीं है किसी सिस्टम में, ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा। वो लोग कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि एग्जामिनर जो रहेगा वो लोग कोई टेक्निकल बंदा नहीं रहता है कि वो लोग ये सब सेटअप किए रहता है, सेटअप करने वाला आदमी कोई और रहता है। वो लोग वही बोल देंगे कि हम लोग को थोड़े पता है, हम लोग तो एग्जामिनर हैं यहाँ से, और उन लोग से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये सब करने से बेटर है कि आप लोग जैसे टाइम मिल जाता है, आप लोगों को जैसे सिस्टम में बैठिएगा, ये सब पॉइंट्स आप लोग जरूर चेक कर लीजिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले जैसे आप लोगों को मेल करना है और स्किल टेस्ट में क्या जरूरी है, आपको इंटरनेट की जरूरी है, एमएक्स ऑफिस की जरूरी है, मैक्सिमम मतलब दो ही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट होना चाहिए और एमएक्स ऑफिस होना चाहिए, और कोई भी एक ब्राउजर होना चाहिए, या तो क्रोम हो, मोजिला हो, ये आप लोगों की होनी चाहिए। इतना होने से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट्स जो भी मैंने बताया आप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये कैसी लगी। और वीडियो को तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, जिससे आप लोगों के बहुत सारे और भी कैंडिडेट हैं झरकर के, मैं चाहता हूँ कि सारे कैंडिडेट को ये पहुँचे और लोगों को हेल्पफुल हो। इतना दूर पहुँचने के बाद अगर वो लोग ये यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं तो बहुत दुख की बात हो जाएगी, इसीलिए जितना हो सके ये सब शेयर करें।
और मैं इस वीडियो का मेन मकसद और भी एक था कि मेरा एक जो ग्रुप है, बहुत सारे लड़के यहाँ पे ऐड भी हुए हैं, जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं बनाया हूँ, ये नाम है ज्ञान फॉर यू दिया गया है उस चैनल का, मेरा तो नाम भी दिया गया यूट्यूब का, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी नाम है ज्ञान फॉर यू। इसमें आप लोग अगर ऐड होना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैं व्हाट्सएप का लिंक दूंगा, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक को आप लोग भी जितना हो सके अपना दोस्तों को भेजें, वो लोग भी ऐड हो यहाँ पे, ताकि आप लोग जितने भी ये तैयारी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ डिस्कस करके बात कर सकते हैं, जो समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई देके रिजॉल्व करने का, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था, नेक्स्ट सैंपल पेपर जो आएगा उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे और देखेंगे किस तरह से उसको सॉल्व करना है। थैंक यू।